आज 9 नवंबर की तारीख है। और ये 9 नवंबर की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। आज के ही दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। नौ नवंबर की ये तारीख जय श्री राम। 9 नवंबर की ये तारीख इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 2014 से 2024 ये 10 वर्ष महाराष्ट्र ने बीजेपी को लगातार दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। बीजेपी के ऊपर महाराष्ट्र के इस भरोसे की वजह भी है। इसकी वजह है महाराष्ट्र के लोगों की देशभक्ति। और महाराष्ट्र के लोगों की राजनीतिक समझ और महाराष्ट्र के लोगों की दूरदृष्टि। इसलिए महाराष्ट्र की सेवा का मेरे लिए सुख ही कुछ अलग है। अभी केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने ही हुए हैं। इन 5 महीनों में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हैं। मैंने अभी कुछ ही समय पहले जिस वाढ़वण पोर्ट की आधारशिला रखी है, अकेले उसकी लागत ही करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए है। और महाराष्ट्र में बनने वाला ये पोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। आज हिंदुस्तान के सभी बंदरगाह की कुल ताकत जो है उससे डबल ताकत अकेले ये महाराष्ट्र में वाढ़वण में बनने वाले नए बंदरगाह की होने वाली है। पिछले 2 कार्यकाल में मोदी ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। आप बताएंगे कितने कितने? जरा जोर से बोलिए। ये 4 करोड़ घर आंकड़ा बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं,
उस समय जो लक्ष्य था वो पूरा कर दिया, लेकिन बाद में कुछ राज्यों ने मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी कि परिवार बड़े हो रहे हैं, नए लोग परिवार के अलग अलग घरों में रहने जा रहे हैं, हमारे इलाके में कुछ और घरों की जरूरत है। हमने ये बात मान करके अब गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने शुरुआत कर दी है और इससे महाराष्ट्र के भी लाखों गरीबों को पक्के घर का सपना पूरा होगा। अब आप मुझे बताइए, ये जिन लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं वो आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? जरा बोलिए ना, आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? ये पवित्र काम करने से पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? अरे पूरी ताकत से बताओ भाई, पुण्य किसको मिलेगा? मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपके एक वोट ने मोदी को गरीबों के लिए घर बनाने का मौका दिया है। और इसलिए पुण्य के अधिकारी आप हैं। अच्छा मेरा एक काम करोगे? अकोला के लोग जरा पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करोगे? शाबाश, बड़ा जोर है भाई। अच्छा एक काम करना, अभी आप चुनाव में गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, और कहीं जाते हुए आपको नजर आए कि कोई परिवार अभी भी झोपड़ी में रह रहा है, कोई परिवार अभी भी कच्चे घर में रह रहा है, तो उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको बता दीजिए कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, तुझे पक्का घर मिलेगा, ये वादा करके आओगे मेरी तरफ से? देखिए मेरे लिए आप ही मोदी हैं, तो वादा कर दोगे? आप वादा करके आइए, मैं वादा पूरा कर दूंगा। साथियों, चुनाव के समय मैंने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की गारंटी देने का वादा किया था। हमारी सरकार ने सीनियर सिटीजन्स बुजुर्गों की सेवा के लिए ये योजना लॉन्च कर दी है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वय वंदना आयुष्मान कार्ड मिलने शुरू हो गए हैं। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ ही इस योजना का लाभ हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के बुजुर्गों को मिलेगा। आपके परिवार में भी जो 70 साल के ऊपर के हैं, उनकी बीमारी के खर्च की चिंता आप मत करना, उनका ये बेटा करेगा। साथियों, कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र के लोगों की जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरा कर दिया। बताऊं क्या बात की है हमने? बताऊं, हमें मराठी को
अभिजात भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य मिला है। मराठी को वो सम्मान मिला है जिससे पूरे महाराष्ट्र का गौरव जुड़ा है। केंद्र में एनडीए सरकार तेज गति से चल रही है, उतनी ही तेज गति वाली महायुति सरकार मुझे फिर से यहां महाराष्ट्र में चाहिए। और इसलिए मैं आज आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। मिलेगा ना? पक्का मिलेगा ना? हर बूथ में से मिलेगा, हर गांव से मिलेगा, हर मोहल्ले से मिलेगा। और इसलिए पूरे महाराष्ट्र में आज गूंज रहा है भाजपा महायुति आहे तर गति आहे, महाराष्ट्राची प्रगति आहे। साथियों, महायुति सरकार के अगले 5 वर्ष कैसे होंगे इसकी एक झलक महायुति के वचननामे में भी दिख रही है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए अवसर, माझी लाड़की बहन योजना का विस्तार, माझी लाड़की बहना इथे आली आहेत ना, युवाओं के लाखों रोजगार, विकास के बड़े बड़े काम महायुति सरकार महाराष्ट्र के विकास को डबल स्पीड से आगे बढ़ाएगी। यानी स्वाभिमानी युवा, शिक्षण, रोजगार, महायुतीचे सरकार करील स्वप्न साकार। साथियों, महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअगाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअगाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअगाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअगाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअगाड़ी यानी टोकन मनी, महाअगाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअगाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में, वसूली डबल हो रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से
700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। आप कल्पना कर सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी घोटाले करके चुनाव लड़ रही हो वो चुनाव जीतने के बाद कितने घोटाले करेगी। हमें महाराष्ट्र में बहुत सावधान रहना है। हम महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे। साथियों, हमारे अकोला को कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आधार है, लेकिन हमारे कपास किसान को दशकों तक इन संभावनाओं का लाभ नहीं मिला। ये हालात अब बदल रहे हैं। कपास किसानों की आय बढ़े इसके लिए उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया है। टेक्सटाइल पार्क से महाराष्ट्र में कपास किसानों के लिए समृद्धि के नए अवसर तैयार होंगे। भाइयों और बहनों, किसान की तकलीफों की जननी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। यहां कितने समय तक कांग्रेस की सरकारें रही? महाराष्ट्र और विदर्भ में पानी का संकट गहराता गया, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने क्या किया? वो आंख मूंदकर अपनी जेब भरने में लगे रहे। सिंचाई के जो प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने शुरू किए थे, अगाड़ी वालों ने उन पर भी ब्रेक लगा दिया। जब से महायुति सरकार महाराष्ट्र में आई है, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं को फिर से गति मिली है। हमारी सरकार ने वैनगंगा, नलगंगा, पैनगंगा इन नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी दूर होगी और इस पर करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नदियां आपस में जुड़े, कहीं बाढ़ और कहीं सूखा, ये समस्या खत्म हो इसके लिए हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए दिए। इससे महाराष्ट्र के इस भाग में पानी की समस्या दूर होगी और उत्पादन बेहतर होगा। हम किसानों को कम पानी का उपयोग कर सिंचाई करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत महाराष्ट्र में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया गया है, जिसका मकसद है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। साथियों, हमारा संकल्प है
किसान खुद इतना सशक्त हो कि वो देश की प्रगति का नायक बनकर उभरे। इसलिए हम किसान की आय बढ़ा रहे हैं और खर्चे कम कर रहे हैं। हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, महायुति सरकार ने उसमें अपना भी सहयोग किया। इसका परिणाम है कि महाराष्ट्र के किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिल रहे हैं। कपास और सोयाबीन किसान को अलग से 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। हम किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजना लेकर आए हैं। अगले 5 वर्षों में इन नीतियों का और व्यापक असर दिखेगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी जानती है देश जितना कमजोर होगा कांग्रेस उतनी मजबूत होगी, और जब कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूर हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस क्या करती है, पिछले 75 साल का इतिहास देख लीजिए, उनके तौर तरीके उसके सबूत ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगल बगल में मिल जाएंगे। कांग्रेस क्या करती है, अलग अलग जातियों को लड़ाना, यही कांग्रेस की फितरत है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने कभी शेड्यूल कास्ट समाज को, हमारे दलित समाज को, हमारे एससी समाज को एकजुट नहीं होने दिया। कांग्रेस ने हमारे जनजातीय समूह, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज को भी अलग अलग जातियों में बांट कर रखा। कांग्रेस ने ओबीसी, नाम सुनते ही कांग्रेस चिढ़ जाती है, और ओबीसी समाज की भी अलग से पहचान न बने इसलिए कांग्रेस ने भांति भांति के खेल खेले हैं। कांग्रेस चाहती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में ही लड़ती रहे, झगड़ा करती रहे। वो जानती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में झगड़ती रहेगी तो उनकी आवाज बिखर जाएगी, उनका वोट बिखर जाएगा, और ऐसा होते ही कांग्रेस के लिए सरकार में आने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए यहां चर्मकार जाति को कांग्रेस मांग जाति से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस मातंग को महार जाति से, बुरड़ जाति को वाल्मीकि जाति से, कैकाड़ी को खटीक जाति से, और मोची जाति को कांग्रेस और जातियों से लड़ाना चाहती है। जब आप एससी के तौर पर एकजुट नहीं रहेंगे, अपनी ही अलग अलग जातियों में बंटकर झगड़ा करेंगे, तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस एससी समाज के अधिकार उनसे छीन लेगी, एससी को कमजोर करके सरकार बना लेगी, यही उसकी चाल है, यही उसका चरित्र है। इसलिए
आपको कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी और अभी एक महीने पहले ही हुआ है, वहां के लोग भूले नहीं है कि कैसे कांग्रेस सरकार के समय दलितों के खिलाफ बड़े बड़े दंगे हुए थे। उन दंगों में दलितों को बेरहमी से मारा गया था और कांग्रेस दलितों को मारने वालों के साथ खड़ी थी। यही कांग्रेस और उसके साथियों का असली चेहरा है। साथियों, कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जो किया, जो आज कर रही है, वो भी सबको जानना जरूरी है। नेहरू जी से लेकर आज तक कांग्रेस के शीर्ष परिवार ने बाबा साहब आम्बेडकर को बार बार अपमानित किया है। कांग्रेस के समय बाबा साहब आम्बेडकर के किसी भी बड़े काम का श्रेय कभी भी बाबा साहब को देने नहीं दिया। आज देखिए, जो बड़े बड़े डैम हैं, बड़ी बड़ी नदी जल परियोजनाएं हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जब बाबा साहब केंद्र में मंत्री थे बाबा साहब आम्बेडकर की रही, लेकिन इसका श्रेय बाबा साहब को नहीं, कांग्रेस के एक परिवार ने हड़प लिया, उनके ही नाम सब कर दिया। देश के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब आम्बेडकर ने देश के लिए अनेकों बड़े निर्णय किए, लेकिन कांग्रेस ने ये श्रेय भी बाबा साहब को कभी नहीं दिया। कांग्रेस के लोग बाबा साहब से इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि संविधान निर्माण का श्रेय बाबा साहब को जाता है। कांग्रेस ने छल कपट से चुनाव में बाबा साहब को हरवाया। देश के एक महान नेता की राजनीति खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब दलित मां के बेटे थे। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब मिला जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। साथियों, मेरे लिए बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी नीतियां हमेशा प्रेरक रही है, सदा सर्वदा पूजनीय रही है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को, उन सभी स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया,
और लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल हो, ये पंचतीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। और साथियों, मैं आज अकोला की धरती से इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं, 75 साल हो गए, उनकी चार चार पीढ़ियों ने देश पर राज किया है, लेकिन इस परिवार ने अगर इन पंच तीर्थों की मुलाकात की हो, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी हो, तो जरा देश के सामने रखें, ये मोदी है जो पंच तीर्थ पर जाकर के बाबा साहब को नमन करके आया है। अरे दिल्ली में बाबा साहब के तीर्थ पर ये शाही परिवार का एक भी सदस्य अब तक गया नहीं है, ये इनके कारनामे है। इतना ही नहीं, देश अब दुनिया पूरी नई करेंसी में चली जा रही है। एक जमाना था चमड़े की नोटें हुआ करती थी, उसके पहले कभी पत्थर की हुआ करती थी, बाद में कभी तांबे की करेंसी होती थी, एने अलग अलग प्रकार की होती थी, फिर कागज की करेंसी आई, अब डिजिटल करेंसी चल रही है, यूपीआई, अपने मोबाइल से पेमेंट लो, मोबाइल से पैसे दो। आपको मालूम है हमने इसका नाम क्या रखा है? ये मोदी है जिसकी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है, इसलिए उस पूरी करेंसी का नाम भीम यूपीआई रखा गया है, भीम यूपीआई। और भविष्य में जब भी 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना, हर बच्चा बच्चा हर दिन भीम यूपीआई को याद करेगा, बाबा साहब को याद करेगा, ये काम मोदी ने कर दिया है। साथियों, इन दिनों पूरा देश एक और संवेदनशील विषय को लेकर चिंतित है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसके साथियों ने आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू होनी चाहिए? पूरी ताकत से बोल रही है ताकि कांग्रेस वालों के कान फट जाए, क्या फिर से 370 लागू होनी चाहिए? क्या 370 को लागू होने देंगे? तो ये कौन लोग हैं जो फिर से 370 को लागू करना चाहते हैं? अलगाववादी इसकी मांग करते हैं या नहीं करते हैं? आतंकवादी संगठनों ने 370 हटाने का विरोध किया था कि नहीं किया था? पाकिस्तान 370 का रोना रोता है या नहीं रोता है? जितनी भारत विरोधी ताकत है, सबके सब 370 का समर्थन करते हैं। और वही कांग्रेस की भी भाषा बन गई है, कांग्रेस वही भाषा बोलती है, जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लगाना, यानी कश्मीर को फिर से हिंसा की आग में झोंकना। कश्मीर में 370 यानी राज्य में बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना। ये जो लोग संविधान की किताबें और कोरे कागज की किताबें बांटते फिरते हैं ना, ये कैसे पापी लोग हैं मैं बताता हूं। और हम सबकी आंखों में कितनी धूल झोंकी उन्होंने देशवासियों की आंखों में। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की बातें करते हैं, 75 साल तक
इस देश में दो संविधान चलते थे, एक जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था और दूसरा देश में जम्मू कश्मीर के सिवाय बाबा साहब आम्बेडकर वाला संविधान था। हम उनको पूछते थे, क्या बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लगेगा कि नहीं लगेगा? इनके मुंह पे ताले लग जाते थे। ये हमारे संविधान के प्रति श्रद्धा थी, ये हमारी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा थी। हमने 370 की दीवार को तोड़ दिया और बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। और जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ न, तब जाकर के 370 हटने के बाद 75 साल के बाद पहली बार कश्मीर और जम्मू के दलितों को आरक्षण मिला। 75 साल तक नहीं मिला था, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिले थे, पहली बार मिले। कांग्रेस फिर से कश्मीर को दशकों पीछे धकेलना चाहती। कांग्रेस जानती है इसी 370 की वजह से कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। ये जम्मू कश्मीर के दलितों और पिछड़ों का अधिकार छीनना चाहती है और यहां महाराष्ट्र में आकर दलितों पिछड़ों से वोट भी मांग रहे हैं। साथियों, 20 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ साथ आपको देश के भी भविष्य को दिशा देने का मौका मिलेगा। आपको विकास को चुनना है, आपको शांति को समर्थन देना है, आपको सुरक्षा को चुनना है। मेरा आग्रह है, आप महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताइए। हम मिलकर समृद्ध महाराष्ट्र और विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। आप यहां इतनी बड़ी तादाद में आए और मैं देख रहा था, मैं यहां बोल रहा था, वहां पूरा एक भीड़ की भीड़ चली आ रही अभी भी। ये प्यार, ये आशीर्वाद, और मैंने कल दो रैली देखी, आज तीसरी रैली देख रहा। कोई सर्वे वर्वे काम नहीं आने वाला, ये विजय का विश्वास नजर आ रहा है। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने आए, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे सभी उम्मीदवार जरा आगे आ जाएं। जो इस चुनाव में असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी साथी जरा आगे आ जाएं। सब आगे आ जाएं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इस जिले में लड़ते हो, किसी और जिले में लड़ते हो, जो भी लड़ते हो, मैं जरा आपके पास आता हूं। उसके बाद आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता के, भारत माता के।